एक इंटरव्यू में वीरेंद्र सहवाग से उनकी आक्रामक अंदाज का कारण और अप्रोच के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब स्पष्ट था कि देखिए मेरा मानना ये है कि बॉल का काम है बाउंड्री पर जाना और हम बैट्समैन लोगों का काम है उसे बाउंड्री के पार पहुंचाना। फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, जर्सी चाहे कोई भी हो, चाहे व्हाइट बॉल रही हो या रेड बॉल, सहवाग का बल्ला हमेशा ही बोला है। उनकी सोच बिल्कुल साफ और स्पष्ट थी। यही कारण था कि वे हर फॉर्मेट में ताबड़तोड़ सफल थे। क्रिकेट इतिहास में ऐसे खिलाड़ी काफी कम देखने को मिले जिनका रुतबा तीनों प्रारूपों में गजब का रहा, ओडीआई हो, टी20 हो या फिर टेस्ट क्रिकेट। तीनों प्रारूपों में अपनी गेम प्लान और स्किल सेट को एडजस्ट कर सफलता प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं, और पिछले कुछ समय से फटाफट क्रिकेट के चलन ने एक से बढ़कर एक नई लीग को जन्म दिया है, चाहे वो टी10 हो या द 100। हर किसी को आजकल कम समय में फटाफट क्रिकेट, ताबड़तोड़ बैटिंग और तेज तर्रार रन बनाने वाली अटैकिंग अप्रोच से प्यार है। लेकिन जो क्रिकेट के सच्चे प्रेमी हैं, उनके दिल में टेस्ट क्रिकेट का अलग ही स्थान है। कारण है इससे मिलने वाला रोमांच। 5 दिन तक चलने वाले थ्रिलर्स का मजा अलग ही है। लेकिन टेस्ट की शोभा बढ़ाते हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने अपनी प्रतिभा से इस फॉर्मेट में सबका दिल जीत लिया। वैसे तो समय की मांग है कि यदि आपको एक नामी क्रिकेटर बनना है तो तीनों फॉर्मेट में बेस्ट खिलाड़ी बनकर दिखाना होगा, पर कई खिलाड़ी अपने व्हाइट बॉल और रेड बॉल करियर में सामंजस्य बिठाने में असफल रहे। रेड बॉल के कुछ सफल गेंदबाज व्हाइट बॉल में अपनी स्किल सेट, डिफेंसिव माइंडसेट, गति, विविधताएं और फील्ड प्लेसमेंट के उलझन के चलते टेस्ट में उतने कारगर साबित नहीं हो पाए। वहीं रेड बॉल के कुछ दीवार से अभेद धुरंधर बल्लेबाज व्हाइट बॉल में अपनी ओवर डिफेंसिव अप्रोच को लेकर असमंजस में रहे। यही कारण रहा कि उनका खेल डांडोल था और वो ऐसी बुलंदी ओडीआई और टी20 क्रिकेट में हासिल न कर सके जो उन्हें रेड बॉल क्रिकेट में मिली थी। इससे पहले की वीडियो में हमने आपसे उन खिलाड़ियों के बारे में बात की थी जो व्हाइट बॉल में सुपरहिट थे मगर रेड बॉल में फ्लॉप। आज हम नारी टीवी के विश्व के ऐसे ही टॉप टेस्ट क्रिकेटरों की बात करेंगे जिनका रेड बॉल में तो खूब सिक्का चला मगर व्हाइट बॉल में करियर फीका रहा। वर्नॉन फिलैंडर दक्षिण अफ्रीका के वो गेंदबाज रहे जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में लीड किरदार की भूमिका निभाई, पर एक साइलेंट किलर बनकर। वे अधिकतर सुर्खियों में नहीं होते थे, ना ही उनके पास साथी काउंटर पोर्ट स्टेन से 140-150 की गति की तेज और तीखी गेंदें थी और ना ही मॉर्कल की भांति अतिरिक्त उछाल, लेकिन गेंद को दोनों तरफ लहराने की उनकी क्षमता ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में काफी सफल बनाया और अपने स्किल और टैलेंट के दम पर एक से बढ़कर एक लाजवाब स्पेल किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके 15 रन देकर 5 विकेट लेकर एक टेस्ट में पूरी कंगारू टीम को 47 रन पर ढेर किया। इसके अलावा उन्होंने 9 रन देकर 5 विकेट लिए और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में कीवियों को और भी शानदार ढंग से ध्वस्त कर दिया था और महज 45 रन पर ऑल आउट करने में अहम योगदान दिया। फिलैंडर को 50 टेस्ट विकेट तक पहुंचने में केवल 7 मैच लगे और उन्होंने अपने 19वें टेस्ट में अपना 100वां स्थान हासिल किया। अब क्योंकि वो लाइन लेंथ और अपनी मूवमेंट पर निर्भर करते थे, उनका प्रदर्शन निर्भर करता था पिच के मिजाज पर। टेस्ट क्रिकेट की चैलेंजिंग पिच पर तो खूब चले पर विदेशी या उपमहाद्वीपीय की स्लो पिचों पर अधिक कारगर साबित नहीं हुए और क्योंकि उनकी गति 125-130 ही थी जिससे बल्लेबाजों को कोई समस्या, कोई खौफ पेश नहीं होता था। और सीमित ओवर की क्रिकेट में जहां बल्लेबाजों के अनुकूल पिच बनते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास खतरनाक गति, उछाल और रिवर्स स्विंग होना जरूरी हो जाता है जो कि फिलैंडर के पास नहीं था और परिणाम स्वरूप वे केवल टेस्ट स्पेशलिस्ट बनकर ही रह गए और 60 टेस्ट में 216 विकेट चटकाने वाले वर्नॉन ओडीआई और टी20 में वैसी सफलता का मजा नहीं ले पाए और ना ही मिले मौकों को भुना पाए। उनके पास व्हाइट बॉल के अनुकूल वो माइंड सेट और स्किल सेट नहीं था और उनके अधिकतर कंजर्वेटिव ओल्ड स्कूल गेंदबाजी उन्हें टी20 और ओडीआई में फ्लॉप करा गई। उन्होंने 30 ओडीआई में 41 और 60 टी20 में केवल 4 विकेट हासिल किए। दोस्तों, लाइन इस वक्त न केवल ऑस्ट्रेलिया के टॉप स्पिनर हैं बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्पिनरों में शुमार हैं जो अपने नियंत्रण और अनुशासन युक्त गेंदबाजी से भरी महफिल में मेला लूट ले जाते हैं। लाल गेंद से कमाल दिखाने वाले लाइन ने टेस्ट क्रिकेट में एक से बढ़कर एक मैच जिताओ स्पेल की जिससे उनकी टीम को कई यादगार जीत भी मिली। लंबे स्पेल करने वाले लाइन की काबिलियत और परफॉर्मेंस इस फॉर्मेट में इतनी बढ़ चढ़ कर के आई कि अपने दम पर उन्होंने न केवल उपमहाद्वीपीय की पिच बल्कि सेना देशों की बाउंसी क्रिकेट जो स्पिनर को मददगार नहीं होती उनमें भी काफी सफलता हासिल की। अगर स्पिन नहीं मिला तो अपनी उम्दा लाइन लेंथ युक्त सटीक गेंदबाजी कर नाथन ने अपनी टीम को विकेट निकाल कर दिए और अपनी टॉप स्पिन उछाल लेती गेंदों से फ्लैट विकेटों पर भी कमाल करके दिखाया। वे ऑस्ट्रेलिया के लिए 400 या उससे अधिक विकेट लेने वाले केवल 3रे खिलाड़ी और 2रे स्पिनर हैं। साथ ही टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से 3रे सर्वाधिक विकेट टेकर हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश लायन अपनी टेस्ट क्रिकेट जैसी फॉर्म को कभी ओडीआई और टी20 में जारी नहीं रख पाए। जितना नाम रुतबा उनका रेड बॉल क्रिकेट में है वैसा ऊंचा कद नाम कभी व्हाइट बॉल क्रिकेट में लाइन को नहीं मिल पाया और सीमित मौके मिलने के बाद वे उन मौकों को भुनाने में असफल रहे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 110 टेस्ट में 438 विकेट लेने वाले लाइन के हाथ 29 ओडीआई में केवल 29 सफलता हाथ लगी, साथ ही 2 टी20 में 1 विकेट। वे टेस्ट क्रिकेट की तरह ओडीआई में कभी खुद को प्रकाश से स्थापित नहीं कर पाए।
हमारी इस लिस्ट में अगला नंबर आता है श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज रंगना हेरात का। श्रीलंका जिसके पास विश्व का सर्वकालिक महान और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मुरलीधरन के रूप में उपलब्ध था, जिन्होंने दो दशक से भी अधिक तक विश्व क्रिकेट में राज किया, साथ ही सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी चटकाए। उनके रहते टीम में किसी दूसरे स्पिनर का होना नामुमकिन सा लगता था, क्योंकि वे अकेले ही पूरी टीम को ढेर करने में माहिर थे। एक कारण है कि हेरात ने मुरलीधरन की उपस्थिति में 9 वर्षों में केवल 14 टेस्ट खेले, क्योंकि अधिक मौके नहीं मिले। लेकिन जब मुरली 800 विकेट लेकर टेस्ट से रिटायर हुए तो श्रीलंका को जरूरत पड़ी एक फ्रंट लाइन स्पिनर की। अब मौका भी था, दस्तूर भी था, और हेरात ने मौके को पूरी तरह से भुनाया। यहीं से मोर्चा संभालते हुए हेरात ने अपनी फिरकी के चक्रव्यूह में एक से एक टैलेंटेड और नामी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। उन्होंने मुरली की कमी कभी खलने नहीं दी और सामने के बल्लेबाजों में अपना खौफ पैदा किया। टेस्ट क्रिकेट में कोहराम मचाने वाले हेरात ने हालांकि 2012 से 2017 तक खूब जलवा बिखेरा और दुनिया के हर कोने में खेले गए टेस्ट में विकेटों की झड़ी लगा दी। 2012 में उनका 60 विकेट का रिकॉर्ड अब तक का सबसे ज्यादा था। उन्होंने कैलेंडर वर्ष में 3 बार 50 या उससे अधिक विकेट लिए। हेरात ने 2014, 2016 और 2017 में 56, 57 और 52 विकेट लिए थे। उनकी प्रतिभा का चरम 2016 में और विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला में चरम पर था। स्टेन और मुरलीधरन के बाद हेरात उस समय सभी 9 टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए। पर हेरात की ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई, जिससे वे केवल एक ही फॉर्मेट के खिलाड़ी बनकर रह गए। हेरात के पास मुरलीधरन जैसा टर्न, स्पिन और विविधता नहीं थी और उनका एक्शन भी बहुत सरल था। वह मुख्य रूप से निरंतर सटीकता पर निर्भर था। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में तो उन्हें खूब सफलता मिली, पर क्योंकि फटाफट क्रिकेट में सर्वाइव होने के लिए बतौर स्पिनर वेरिएशन होना बहुत जरूरी है बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए, क्योंकि हेरात की विविधताएं सीमित थी। इसके चलते वे व्हाइट बॉल क्रिकेट में अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। हालांकि कुछ समय उन्हें थोड़ी बहुत सफलता व्हाइट बॉल में मिली। 2014 में T20 विश्व कप में श्रीलंका की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5-3 की उनकी स्पेल वर्षों तक रिकॉर्ड थी, लेकिन निरंतरता से व्हाइट बॉल में अधिक हिट नहीं हो पाए। 93 टेस्ट में 433 विकेट लेकर अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले हेरात को 71 ODI में 74 और 16 T20 में केवल 17 विकेट मिले। VVS लक्ष्मण भारत के वो होनहार बल्लेबाज थे जिन्होंने सलामी बल्लेबाजी से लेकर मध्य क्रम में हर स्थान पर रन बनाए और उनकी बेहतर सुंदर शॉट्स देखकर फैंस मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। लक्ष्मण को लेग साइड के अपने शानदार स्ट्रोक प्ले के चलते और कलाइयों के खूबसूरत इस्तेमाल के कारण कलाइयों का जादूगर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड, इस दिग्गज ने हर प्रकार के विकेट पर डटकर घंटों बल्लेबाजी कर भारत को टेस्ट जिताए। वे ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों के साथ तो डटकर खेलते ही थे, लेकिन अपने करियर के अधिकतर पारियों में उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ बहुमूल्य साझेदारियां कर भारत को कुछ अविश्वसनीय मुकाबले भी जिताए, जिनमें से एक है 2010 मोहाली टेस्ट, जब उन्होंने ईशान शर्मा और प्रज्ञान ओझा के साथ दर्द में कराहते हुए काफी अहम साझेदारियां की और भारत को एक विकेट से मुकाबला जिताया। ये VVS के करियर का सार रहा। भारतीय टीम के सबसे विश्वसनीय खिलाड़ी थे। वे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से भी मैच को निकाल जाते थे, फिर चाहे वो अहमदाबाद टेस्ट में 15-5 पर लड़खड़ाती पारी हो या 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉलो ऑन में बल्लेबाजी, जहां किसी ने भी भारत को वो मुकाबला जीतते हुए नहीं देखा था। लेकिन लक्ष्मण की 281 रन की पारी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को न केवल मैच हराया बल्कि श्रृंखला भी जीती। लक्ष्मण ने ऐसे कई कीर्तिमान स्थापित किए और कई ऐसे यादगार लम्हे दिए। सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़ और युवराज सिंह से सुसज्जित उस प्रथम भारतीय बैटिंग लाइनअप का लक्ष्मण एक अभिनंग थे, लेकिन वे केवल एक ही फॉर्मेट के खिलाड़ी बनकर रह गए जिन्हें टेस्ट में ही कारगर माना गया। लक्ष्मण की संयम पूर्वक इत्मीनान भरी गेम और उनका शांत स्वभाव ऑर्थोडॉक्स तकनीक ओल्ड क्रिकेट स्कूल से ताल्लुक रखता, जो कभी व्हाइट बॉल के अनुकूल रहा ही नहीं। उनकी बल्लेबाजी में तो कोई खोट नहीं था, लेकिन उनका टेम्परामेंट और खेल टेस्ट क्रिकेट के ही अनुकूल था और इसी की शोभा बढ़ाता था। वैसे तो लक्ष्मण ने अपने करियर में 100 से भी अधिक टेस्ट खेले, लेकिन इसके बावजूद कभी उनका चयन भारत की विश्व कप की टीम में नहीं हुआ और न ही रंगीन जर्सी में उन्हें अधिक मौके मिले। जो बुलंदी उन्होंने टेस्ट में हासिल की, वैसी कामयाबी कभी ODI में नहीं हासिल कर पाए। और 134 टेस्ट में अच्छी खासी 46 के औसत से खेलने वाले लक्ष्मण 86 ODI में महज 30.8 की औसत और 71 के स्ट्राइक रेट से 2338 रन ही बना सके। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर शामिल हैं विश्व के महानतम बल्लेबाजों में खाबिज इंग्लैंड के एलेस्टर कुक। कुक इंग्लैंड के वो कोहिनूर थे जिन्होंने बल्लेबाजी को काफी सरल बना दिया। विश्व के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान सलामी बल्लेबाज एलेस्टर कुक टेस्ट क्रिकेट में 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 और 12,000 रन बनाने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी हैं। वे सुनील गावस्कर के बाद 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले सलामी बल्लेबाज भी हैं। 2006 में पदार्पण करने वाले कुक का करियर शुरू से ही काफी ऊंचाइयों पर था। अपने पहले ही वर्ष में उन्होंने 1,000 रन बना डाले और भारत, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ शतक भी लगाए। यही नहीं, उन्होंने 2009 इस श्रृंखला में भी इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई। वे एक छोर संभाल न केवल संयम पूर्वक रन निकालते बल्कि अपने दम पर मैच निकालने की क्षमता रखते, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जैसा भौकाल व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं दिखा पाए। जो औसत रुतबा उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में कायम किया, वैसी बुलंदी पाने को कुक अपने व्हाइट बॉल करियर में संघर्ष करते दिखे। यही कारण है कि उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक है जिन्होंने 100 से भी अधिक टेस्ट खेले।
लेकिन कभी कोई विश्व कप मुकाबला नहीं खेला। 2018 में उन्होंने एलन बॉर्डर की लगातार सबसे अधिक 153 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। एक समय तो क्रिकेट विशेषज्ञों ने यहाँ तक कह डाला था कि कुक एक दिन टेस्ट में सचिन का सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं था। ऐसा करने की उनमें काबिलियत भी थी, क्योंकि अपनी निरंतर लंबी पारियों के दम पर रनों की बारिश करने में तो माहिर थे, और एक बार तो उनके सभी साथी खिलाड़ी आउट हो गए थे, मगर कुक नाबाद ही लौटे। अगर वो 5-7 साल और खेलते तो ये रिकॉर्ड अवश्य टूटता, लेकिन वो हमेशा ही एक टेस्ट प्लेयर के तौर पर देखे गए, और इसी फॉर्मेट के प्रदर्शन के दम पर उनकी पहचान बनी। वैसे तो उन्होंने टेस्ट के अलावा ओडीआई में भी टीम की कमान संभाली, लेकिन अपने करियर में खेले गए 164 टेस्ट में 12,472 रनों का पहाड़ खड़ा करने वाले कुक ने 92 एक दिवसीय में केवल 36 की औसत से 3,204 रन बनाए, जिनका स्ट्राइक रेट भी केवल 77 का रहा। इसके अलावा उन्होंने केवल 4 टी20 मुकाबले खेले और कुल में 69 रन बनाए। गजब की तकनीकी और आकर्षक स्ट्रोक प्ले वाले कुक के वाइट बॉल करियर उनके उच्च कोटि क्लास के साथ न्याय नहीं करते। तो दोस्तों, ये थे वो खिलाड़ी जो टेस्ट में तो सुपर हिट रहे, मगर ओडीआई और टी20 क्रिकेट में सुपर फ्लॉप। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।